नमस्ते दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वनाथ जी, जो कि अपनी काबिलियत के दम पर बिजनेस के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर चुके हैं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विश्वनाथ जी, आपका बिजनेस क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, हमारा बिजनेस है प्रिंटर सर्किट बोर्ड पीसीबी का जी। ये ऐसा चीज है कि इससे इसके जरिए से एक रोबोट टाइप में इंसान बनते हैं जी। जी वो बनते हैं। अभी हमारा कुछ आगे का ऐसे ही प्लान चल रहा है इंडस्ट्री में जी, कि ऐसा कुछ करने का जी, कि अपना जैसे कि जवानों के ऊपर बनाया जाता है मूवी, हम जवानों की जगह पे रॉबर्ट को बनाएंगे। अच्छा, और कुछ देश के ऊपर ऐसा कुछ मूवीज बनाने का इरादा है अपना। ये आपका फ्यूचर प्लान? हाँ, ये मेरा फ्यूचर है। अगर आगे बढ़े तो कुछ हम ऐसे ही करना चाहेंगे। अभी हाल में आप किस काम पे काम कर रहे हैं? मेन काम अभी आपका क्या चल रहा है? अभी हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चल रहा है। अच्छा, जो पहले से ही चलते आ रहा है, कुछ 2011 से चल रहा है, अभी तक वैसे ही चल रहा है, कर रहे हैं उसमें। विश्वनाथ जी, आप अपने घरेलू परिवेश के बारे में ज़रा बताएं कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद बम्बई का जो सफ़र है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जी। देखिए, हमारे घर में मम्मी डैडी भाई बहन सब हैं जी। हम लोग पहले की स्थिति में कैसा गरीब थे थोड़ा जी, तो पढ़ने के लिए जाते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था उतना, कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम रहती थी जी। इसकी वजह से घर में बड़ा था और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई जी। तो जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए मुझे ऐसे शहरों में आना पड़ा जी। और शहर में आए तो कुछ अपना इधर उधर देखे, मुंबई जैसा शहर में क्या होता है कैसा होता है, तो थोड़ा समझ में आया। और चलते चलते जो काम पहले से किए वो काम के जरिए से आज वो कंपनी का खुद अपना हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो मुंबई से बाहर हैं, तो मैं चार पंक्तियों में चाहूँगा कि आप मुंबई के बारे में कुछ बताएं, यहाँ का अनुभव बताएं और यहाँ कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आप आगे बढ़े। देखिए, मुंबई में तो तीन चार जगह बहुत अच्छी है, घूमने लायक है। जुहू चौपाटी है, गेट ऑफ इंडिया है, महालक्ष्मी है, जीवदानी है, मुंबा देवी है, ऐसी सब जगहें बहुत बड़ी बड़ी हैं मुंबई में, यही फेमस है, लोग इन्हीं के चलते मुंबई जैसे शहर में आते हैं जी। और अच्छी अच्छी कुछ लोग मुकाम हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते जी, जी। तो आप किधर से हैं, कहाँ के रहने वाले? हम यूपी उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर से हैं। तो जरा सिद्धार्थनगर की भी कुछ बातें हो जाए, वहाँ की क्या चीज़ें फेमस है, क्या चीज़ लोग पसंद करते हैं वहाँ की, फेमस क्या है? देखिए, इंसान जब से जन्म लेता है तब से उसे कुछ ना कुछ चीज़ की एक फेवरेट हो जाती है जी, जी, जी। ये चीज़ उसका फेवरेट है, वो चीज़ उसका फेवरेट है। मेरा मेरे देश मेरे ज़िले में जी, मुझे मेरे घर में, मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत मन लगता था लेकिन कुछ ऐसी गरीबी की स्थिति के वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा जी। और मम्मी डैडी भी थोड़ा बेबस थे मुझे छोड़ने के लिए जी। और तो विश्वनाथ जी, आपका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। हाँ, पढ़ाई की दिक्कत रही, पैसों की भी दिक्कत रही। तो आज के नवयुवकों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं? देखिए, ऐसा करने से लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। अभी मैं मुंबई में आया तो मुंबई में काम करके, थोड़ा जॉब करके, थोड़ा पार्ट टाइम पढ़ाई करके, ऐसा ट्यूशन वगैरह करके, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके और आगे बढ़ा। यहाँ पे मुंबई में मैंने बहुत पढ़ाइयाँ पूरी की है जो वहाँ पे अधूरी थी जी। और वो पूरी करने के जरिए से मैं थोड़ा अपने बिजनेस में आज सक्सेस हो गया हूँ। तो आपने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद आप बिजनेस में आए। हाँ, तो पढ़ाई कितनी? पढ़ाई भी चलती थी और जॉब भी हमारा चलता था, साथ में रहते थे। तो पढ़ाई कितनी जरूरी है आज के समय में बिजनेस को आगे ले जाने? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या है, बिजनेस में एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है इंसान को। अगर वो पॉइंट नहीं समझ पाया तो इंसान बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा जी। जी जी, मेन पॉइंट अगर समझ जाता है, और पॉइंट समझने के लिए इंसान को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है जी, जी। आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं उनके लिए सब कुछ जीरो के बराबर रहता है।
उनको हम कुछ समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता है, कुछ दूसरा ही समझ जाते हैं। तो विश्वनाथ जी, आपका भविष्य को लेके क्या प्लान है और भविष्य में आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं? भविष्य में देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर हम इंडस्ट्री में आ गए आगे तो जवानों के ऊपर जैसे कि एक मूवीज़ बनाने का पूरा इरादा है जी। और वो मूवीज़ ऐसे होंगे, रॉबोट टाइप में रहेंगे जी, जिसमें हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कलेक्शन रहेगा। क्या बात है जी। तो विश्वनाथ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को विश्वनाथ जी की बातें समझ आई होंगी और वो जीवन में इन्हीं की भांति आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।